धन्यवाद आप सभी का, कृपया सभी समाज सरोज बहन सरोज और बहन भारती, सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जन और बहुत धैर्यशाली लोगों को मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस राम, कितना सुंदर नाम है। इस राम के नाम के सागर में मैं तो सिर्फ एक बूंद हूँ। अभी सागर की लहरें, सागर की अथाह गहराई हमारे मंच पर आसीन है। जब वो बोलेंगे, जब वो
अपने वाणी से उसके विषय में बताएंगे तो निश्चय ही वो आनंद का सागर हमारे हृदय में हमारे जीवन में उतरेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं राम मेरे आराध्य हैं, लेकिन राम के बारे में बहुत कुछ जानना है। मैं थोड़ा बहुत अपना ज्ञान, अपनी श्रद्धा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन कथा भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। यह कथा भारतीय संस्कृति की शाश्वत आधारशिला भी है। यही कारण है कि आज तक राम कथा का विपुल साहित्य सदन होता रहा है और हो रहा है। वाल्मीकि एक ऐसा गोमुख है जिसका उपयोग परवर्ती कवियों ने किया। राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय लोक नायक तुलसीदास पर रामचरितमानस को है। भारतीय जीवन में राम कथा इतनी व्यापकता और गहराई से जुड़ा है कि भारतवर्ष में एक सीमित अवधि में निवास करने जो भी आता है वो राम में होकर के रह जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राम का नाम और राम कथा का प्रभाव इस देश के वायुमंडल का प्राणभूत तत्व बन गया है। और मेरा मानना है न सिर्फ इस देश बल्कि संपूर्ण विश्व का प्राण तत्व ही हमारे राम का नाम है। श्री राम की कथा में मानवीय आचरण के जिन उदात्त आदर्शों और मूल्यों की प्रतिष्ठा हमें देखने को मिलती है उसकी उपयोगिता और महत्व किसी एक देश अथवा काल के संदर्भों तक सीमित नहीं है। बिना किसी संकोच के उन्हें सार्वदेशिक और सार्वकालिक मानवीय मूल्य के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। विषय में प्रवेश करने से पहले ये जानना स्पष्ट करना आवश्यक है कि राम कथा विश्व साहित्य का शाश्वत सत्य है। जब से मनुष्य की मेधा का शब्द और अर्थ से साक्षात्कार हुआ तब से वह काव्य पटल पर अविरल रूप से चित्रित होती रही। रम्या रामायणी कथा में मानव जीवन की यथार्थ परत समस्याओं का ऐसा आदर्श में समाधान चित्रित हुआ कि प्रत्येक युग के सुधी और प्रबुद्ध साहित्यकार उससे प्राणित होते रहे हैं। राम कथा पर जितनी काव्य कृतियां उपलब्ध हैं उतनी किसी अन्य विषय पर नहीं है। यह राम कथा की लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आज भी सिर्फ हिंदी और संस्कृत में नहीं सभी भाषाओं में राम पर अध्ययन मनन और चिंतन हो रहा है। श्रेष्ठ साहित्य जीवन को बनाने का श्रेष्ठ प्रयास करता है। राम कथा का उद्भव वाल्मीकि की रामायण से होता है। वे आदि कवि महाकवि धर्माचार और सामाजिक बारीकियों के ज्ञाता सभी कुछ एक साथ थे। उनके स्थायी महत्व और व्यापक लोकप्रियता के संबंध में ब्रह्मा जी की चरितार्थ भविष्यवाणी है। यावत् स्थास्यन्ति गिरिः सरितस्य महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रतिष्ठति। राम कथा को आम जन तक पहुंचाने में तुलसीदास द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए राम कथा और मानस ने भारतवर्ष के सांस्कृतिक और उसके इतिहास को कितना प्रभावित किया इसके निरूपण में देशी विदेशी विद्वानों और विवेचकों द्वारा जितना कुछ कहा जा चुका है अगर उसे एकत्र करके संकलित करें तो सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक ग्रंथालय बन जाएगा। यही कारण है कि वैदिक युग से लेकर आज तक भारतवर्ष की प्रत्येक भाषा में राम कथा की संरचना होती रही है। मानस सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, एक पद्धति है, एक संस्कार है, सुखी जीवन जीने की निर्देशिका है। मानस गिरते हुए समाज, बदलते हुए मूल, चटपटाते व्यक्तित्व और कपकपाते चरित्र को संवारने की अचूक औषधि है। आज जिस प्रकार हमारी संस्कृति पर प्रहार हो रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था चरमरा रही है, छल कपट की राजनीति हो रही है और जनमानस दिशा भ्रमित हो रहा है, ऐसे समय में मानस और जीवन को चलाने के लिए एक आधार स्तंभ है। और निश्चय ही इसका अनुकरण करने पर हम अपने जीवन में
राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे। राम राज्य का तात्पर्य क्या है? हम लोग हर समय राम राज्य की बात करते हैं। मेरे विचार से राम राज्य का तात्पर्य है अपने जीवन को राम के जीवन की तरह संतुलित और मानवीय गुणों से युक्त बनाना। क्योंकि जब सभी राम की तरह थोड़ा भी आदर्श जीवन अपना लेंगे तो समाज और देश में स्वतः ही राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और राम कथा हमें दिशा दिखाती है, मार्ग दिखाती है। आप जितना मानस को पढ़ेंगे आपके ज्ञान चक्षु उतनी बार नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। साहित्यकारों ने अपने अपने युग की समस्याओं के समाधान राम कथा में खोजने का प्रयास किया है। तुलसी का उद्देश्य भी राम कथा का आशय लेकर अपने युग के जीवन को जन जीवन को सुखमय बनाना था। विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने रामायण की सर्वांगता को लक्ष्य करके कहा, रामायण का प्रधान विशेष तत्व यही है कि उसमें घर की ही बातें विस्तृत रूप से वर्णित हुई हैं। पिता पुत्र में, भाई भाई में, स्वामी स्त्री में जो धर्म बंधन है और जो प्रीति और भक्ति का संबंध है उसको रामायण ने इतना महान बना दिया कि वह सहज ही जनमानस का ग्रंथ बन गया। हिमालय जितने ऊंचे और व्यापक आदर्शों और सागर जैसे गंभीर विचारों का अगर किसी ग्रंथ में एक साथ समावेश हो पाया है तो वह रामायण ही है। अपनी इसी विशेषता के कारण देश काल की सीमाओं को लांघकर यह विश्व साहित्य की महान कृति के रूप में पूजा जा रहा है। रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने एक अपना आदर्श प्रस्तुत किया जिसके आधार पर कवि ने समाज और व्यक्ति के जीवन के हर अंग को समेटा है और सहेजा है। जब हम रामकथा की बात करते हैं तो रामायण और रामचरितमानस तुरंत हमारे सामने आते हैं, क्योंकि रामचरितमानस के सातों कांडों में जीवन के विभिन्न स्तर पर होने वाले क्रियाकलापों का आदर्श रूप प्रस्तुत होता है। बाल कांड में राम लक्ष्मण भर शत्रुघ्न के बाल स्वरूप का जो वर्णन है, जैसे घुटनों के बल चलना, मुंह में खाना लपेटना, कौए की परछाई को देखकर उसके पीछे भागना और माताओं को यह सब देखकर खुश होना, यह सब एक सामान्य सी बातें हैं। पर आज हम अपनी सांस्कृतिक चेतना को त्याग कर भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये वास्तव में दर्शन आज की माताएं कर पाती हैं? नहीं। आज हम बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर पकड़ाकर अनजाने में एक ऐसी मशीनी संस्कार उनके अंदर डाल रहे हैं। वह उस खिलौने से सिर्फ खेलता नहीं है वरन संस्कारित भी होता है और परिणाम संवेदनाएं और कोमल भावनाओं का लोप होता जा रहा है। अयोध्या कांड में रामचंद्र जी को जब वनवास मिलता है तो कौशल्या किसी प्रकार कुंडित नहीं होती और कहके से कुछ नहीं कहती, बल्कि भवितव्यता मानकर सब धैर्य से ग्रहण करती है। श्री राम भी माता कैके के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते और पिता के वचन सुनकर कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी, तनय मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ये भावना आज कहां लोप हो गई है। भाई से भाई का अद्वितीय प्रेम राम कथा में मिलता है। बड़े भाई की सेवा करना, ये संस्कार हमें राम कथा में ही दिखाई देता है। इसका सुंदर उदाहरण देखिए, जब लक्ष्मण जी जाते हैं रामचंद्र जी के साथ वन के लिए तो सुमित्रा उनको उपदेश देते हुए कहती हैं, सकल प्रकार विकार विहाई, मन ब्रह्म वचन करें सिरकाई, जेहि न राम वन लहे कहेसु, सोई सुत सोई करें यही उपदेशु। ये सब भावनाएं और संस्कार आज हमें कहां दिखाई देते हैं। ऐसे ही किष्किंधा कांड में जब रामचंद्र जी बाली को मारते हैं तो बाली मरने से पहले राम से पूछता है कि मेरा क्या दोष है और तब वो कहता है कि धर्म हेतु अब तरहु गुसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, मैं वैरी सुदीव प्यारा, अवगुण कब नाथ मोहि मारा। आप तो धर्म के लिए आए थे, इस तरह अधर्म करके आपने मुझे क्यों मारा है। तब श्री राम जी से बताते हैं, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी, एक दृष्टि विलोकई जोई, ताहि बते कछु पाप न होई। जो अनुज वधु भगिनी सुत और नारी पर कुदृष्टि डालता है उसको मारने में कोई पाप नहीं मिलता है। और अपनी गलती का एहसास करके बाली को बहुत ग्लानि होती है और अपने पुत्र अंगद को राम को सौंपता है।
राम कथा में बताती है कि शत्रु के साथ मतभेद हो, मनभेद नहीं होने चाहिए। इस तरह अगर राम कथा के किसी भी संदर्भ को लें तो वहां पर मानव जीवन की कलुषताओं को हटाकर जीवन आनंद देने वाली और उसकी हमें मिलती है। राम कथा के राम मानव जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचाने में सक्षम साबित हुए हैं। इस परिपेक्ष में वह एक पुत्र, एक पति, राजा, नेता, मित्र, भाई और राजनीतिक के रूप में नहीं बल्कि एक शत्रु के रूप में भी दयालु और आदर्श में दिखाई देते हैं। वह अपनी विजय का श्रेय स्वयं न लेकर के अपनी सेना को देते हैं, यह उनके विनम्र भाव को दर्शाता है। और यही वजह है कि आज विश्व में सभी भाषाओं में, सभी संस्कृतियों में राम कथा मान्य है, क्योंकि राम कथा आदर्श के करीब होते हुए भी यथार्थ स्थितियों से तादाद स्थापित करती है। अगर राम कथा को गहराई से आप साथ करें तो यह हमें साधारण मानव के सुख दुख, जीवनचर्या और आध्यात्म के दर्शन कराती है। इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी ने इसे का आध्यात्मिक आयाम देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, राम परमात्मन और सीता जीवात्मन रूप में। वह कहते हैं कि लंका में जन्मे तीनों ब्राह्मण भाईगण तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रावण रजोगुण का, विभीषण सतोगुण का और कुंभकर्ण तमोगुण का प्रतीक है। राम कथा ने विश्व की सभी संस्कृतियों को प्रभावित किया है। इंडोनेशिया जो मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ आज भी रामलीला का मंचन बहुत मार्मिक ढंग से होता है। इसी प्रकार बाली, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, बर्मा आदि देशों में राम कथा जनमानस के नाटकों, प्रथाओं, मंदिरों और लोकगीतों में जीवित है। यहाँ मूल कथाओं के साथ वहाँ की लोक कथाएं भी गई हैं। भारत के अलावा, जैसे भारत में अयोध्या है, इसके अलावा थाईलैंड, कोरिया और इंडोनेशिया, इन तीन स्थानों में अयोध्या के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। आपको तो पता ही होगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में राम केन कहा जाता है। राम केन का तात्पर्य राम कीर्ति, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। राम कथा चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पश्चिम एशिया, अरब देशों में अजस्र रूप से बह रही है। मलेशिया में अरबी लिपि में लिखी हुई राम कथा आज भी हमें दिखाई देती है। इसमें कथा वस्तु से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, पर कुछ नामों और स्थानों को बदला गया है। इनके मंचन में स्थानीय कथाओं और परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। लाओस और कंबोडिया की कई कलाओं में राम कथा की अभिव्यक्ति कई तरीके से हुई है। फिलीपींस के मुस्लिम कबीलों में रामायण पर आधारित एक काव्य बहुत प्रसिद्ध है। त्रिनिदाद, मॉरिशस और टोबैगो जैसे देशों में जब भारतीय मूल के लोग लाए गए तो उनके पास अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए कवच रूप में अपनी भाषा और तुलसी का मानस था। उनके लिए मानस न केवल धन था, न साहित्य था, अपितु भारत से दूर गए अपनी मिट्टी की गंध को से अनेक अकेलों का सहारा था, विदेशी भूमि पर उनका कवच था। सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो राम कथा का इतना प्रभाव है कि आज हर माँ अपने बच्चे में राम का स्वरूप देखना चाहती है। हर देश राम राज्य की कल्पना करता है, उसके स्वप्न देखता है। साहित्य के क्षेत्र में अनेक विदेशी आज ही नहीं वरन 17वीं शताब्दी से ही भारत की इस अनमोल धरोहर को आत्मसात कर रहे हैं। इसके लिए मैं स्वर्गीय फादर कामिल भुल्के का जिक्र करना चाहूँगी, जो जन्म से यूरोपीय और संस्कार से ईसाई पादरी थे, किंतु हिंदी और संस्कृत साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने राम कथा से प्रेरित होकर इस पर बहुत सराहनीय कार्य किया। राम कथा पर आधारित शिष्य साहित्य और लोक साहित्य कितनी प्रभुत मात्रा में जा गया, इसका अनुमान लगाना कठिन है। ऐसी रचनाओं का प्रयाण भाषा माध्यम की गति से न केवल भारतीय भाषाओं तक सीमित रहा है, बल्कि विदेश की प्रमुख भाषाओं में दिखाई देता है। सारे के सारे हिंदू, बौद्ध और जैन पुराण तथा उपपुराण राम कथात्मक संदर्भों का उल्लेख करते हैं। ज्ञात आज तक राम कथा का साहित्य, वैदिक काल से आज तक राम कथा का साहित्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरह राम कथा की विरासत कई संस्कृतियों में फैली हुई है।
सच तो ये है कि राम कथा की विरासत किसी देश या समुदाय की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। जब राम का नाम लेते हैं तो संपूर्ण विश्व को इसमें समाहित कर लेते हैं। यह हमें आपस में जोड़ती है और श्रेष्ठ मानव मूल्यों के साथ जीवन जीना सिखाती है। राम कथा जहाँ एक ओर आदर्श जीवन को परिभाषित करती है, वहीं दूसरी ओर इसमें मानवीय संबंधों और अच्छाई बुराई के ढेरों ऐसे प्रसंग हैं जो सबको आकर्षित करते हैं और उसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इतना समय बीत जाने के बाद भी इसके आकर्षण में कमी नहीं आई है, परंतु दिन पर दिन इसका लगाव बढ़ता जा रहा है। इस तरह राम कथा का समाज पर गहरा प्रभाव है, सिर्फ भारतीय संस्कृति पर ही नहीं बल्कि विश्व की सब संस्कृतियों पर इसका स्पष्ट प्रभाव है। और प्रयास किया जा रहा है कि राम कथा से राम्य संस्कृति को अपनाया जाए। राम कथा में स्थापित भाव, जीवन और कर्म, जीवन की मर्यादाएं चिरकाल से मानवीय श्रेष्ठता का मापदंड रही है तथा केवल भारतीय लोकमानस ही नहीं वरन अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व राम कथा से आदर्श जीवन की प्रेरणा प्राप्त कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये राम कथा सिर्फ एक प्रारंभ नहीं है, इसका अंत नहीं है, अजस्र रूप से बहने वाली एक ऐसा स्रोत है जो हमें हमेशा हमें सब विचारों की तरफ प्रभावित करता है। आज के इस मान सब में मैंने अपने विचार रखे और आपने उसको ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा वक्तव्य आपने दिया, बहुत अच्छे विचार आपने प्रेषित किए। सर्वकालिक मान्यता पुराण तथा अन्य मानस ग्रंथों के अनुरूप और अनुकूल मान्यता प्रदान करने वाले गोस्वामी तुलसीदास हिंदी भक्ति साहित्य के शीर्षक कवियों में प्रमुख हैं। अपनी राम भक्ति से भक्ति काल को संपन्नता देकर एक ओर उन्होंने भक्ति की पवित्र गंगा प्रवाहित की तो दूसरी ओर भारतीयता के आत्मगौरव को भी उद्घोषित किया। इस पुनीत भक्ति द्वारा एक ओर उन्होंने संपूर्ण भारतीय जनमानस का उद्बोधन किया तो दूसरी ओर उन्हें मुक्ति का मार्ग भी दिखाया। उनके काव्य ग्रंथों में युग के समस्त अभावात्मक और वैपरीत्य युक्त परिस्थितियों के ऊपर उठकर एक ऐसे शाश्वत और चिरंतन सत साहित्य का स्वरूप प्रस्तुत किया जिसने संस्कृति, समाज, धर्म, राजनीति आदि समस्त सामयिक समस्याओं के समाधान हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि शताब्दियों के बाद भी तुलसी की लोकप्रियता में कोई अंतर नहीं आया है। तुलसी समाज के उच्च और निम्न दोनों वर्गों में लोकप्रिय है और केवल हमारे समाज में, भारतीय समाज में ही नहीं वरन इनसे प्रेरणा लेकर विश्व साहित्य में आज राम कथा का स्वरूप व्यापक हो रहा है। हमारे आगे आने वाले वक्ता इस पर बहुत विशद प्रकाश डाले हैं। हम यहाँ पर तुलसी के राम कथा काव्यों के संदर्भ में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि इतिहासकार ऋषि स्मित ने अकबर की जीवनी में तुलसीदास के विषय में लिखा था कि उनका नाम तत्कालीन इतिहास ग्रंथों में ही नहीं मिलेगा, फिर भी वो भारत में अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। वह अकबर से भी महान थे। अकबर युद्ध में कितनी ही बार विजयी क्यों न हुए हों, तुलसीदास उनसे कहीं अधिक महान विजेता है क्योंकि उन्होंने राम कथा द्वारा करोड़ों पुरुषों और स्त्रियों के हृदय और मन जीत लिए हैं। युद्ध की आवश्यकता देखते हुए तुलसी ने राम नाम के आधार को ही श्रेयस्कर समझा था। उनकी दृढ़ धारणा थी कि भाव, कुभाव, अरुचि और आलस्य किसी भी रूप में राम का नाम ले लिया जाए तो उससे दसों दिशाओं का मंगल होगा। तुलसी की राम भक्ति चिंतामणि है जिसे आप प्रमाण के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। राम भक्ति और राम दोनों उनके लिए समान महत्व के हैं। राम नाम का आश्रय प्राप्त कर परिणामों के प्रति उदासीन न रहकर तुलसी ने जो जीवन जिया वह पूरे समाज के लिए कर्तव्य पालन और विनम्रता की सीख है। तुलसी की प्रकृति की विनम्रता उनके काव्य की भांति जगतव्यापी है। इतने बड़े कवि और विद्वान होते हुए भी उन्होंने स्वयं को पंडित कहने में संकोच किया। कवि न हो नहीं चतुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे।
तुलसी स्वयं को सबसे छोटा मानते रहे तथा समस्त सृष्टि को सीताराम में समझकर मस्तक झुकाते रहे। ये संदेश वो विश्व तक पहुँचाना चाहते थे कि सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा वही है जो स्वयं को सबसे छोटा समझता है। समस्त सृष्टि को अपने से श्रेष्ठ समझने वाले कवि तुलसी बहुत बड़े महात्मा थे, इसमें कोई संदेह नहीं। महात्मा तुलसी के काव्य में हमें जीवन बोध के अत्यंत व्यापक और सशक्त रूप के दर्शन होते हैं। मानसकार तुलसी के संबंध में भविष्य पुराण में लिखा गया है, विख्यात तुलसी शर्मा पुराना निपुण कवि। वस्तुतः तुलसी पुराण में निपुण कवि थे। उनका रामचरित मानस पुराण शैली में लिखा गया एक महाकाव्य है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत रामचरित मानस की रचना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तुलसी की युगीन परिस्थितियों ने तुलसी को जन्म देकर कोई महत्वपूर्ण कार्य किया हो या नहीं, किंतु रामचरित मानस तथा कई अन्य राम कथा काव्यों को लिखकर तुलसी ने निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया। तुलसी का महत्व अप्रतिम है। विपरीत परिस्थितियों ने इनकी प्रतिभा को अधिक प्रखर अधिक जागरूक बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों की चोट खाकर मानव तुलसी की चेतना एक अति शक्ति के ऊपर विश्वास के रूप में उनके अंतःकरण में जागृत हो उठी। इस आस्था और विश्वास के बलबूते उन्होंने विभिन्न राम कथा काव्यों का प्रणयन किया। गोस्वामी तुलसीदास कवित विवेक एक नहीं मोरे तथा कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं कहकर अपनी विनयशीलता का परिचय जरूर दिया। मूल रूप से वे कवि हैं और वचन प्रवीण हैं। उनका आदर्श कवि रूप उनकी रचनाओं में मुखर है। तुलसी मेधावी पंडित मनस्वी विचारक और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी अंतर्मुखता और बंधुता का उच्च स्तरीय सामंजस्य घटित हुआ था। राम नाम को आधार मानकर कविता रचना करने वाले कवि तुलसीदास ने अपने किसी ग्रंथ में अपनी अन्य रचनाओं के संबंध में उल्लेख नहीं किया है, फिर भी उनकी प्रायः सभी रचनाओं में कहीं न कहीं बार बार उनके नाम की छाप मिलती है, जो उन्हें तुलसी द्वारा विरचित होने का प्रमाण देती है। मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास के लिखे गए 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनके नाम मैं बता देना चाहूँगी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस, रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल तथा रामाज्ञा प्रश्न। मैं यहाँ पर तुलसी के राम कथा काव्यों की बात कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त विभिन्न शोधों में उनके बहुत से अन्य कथा काव्यों का भी जिक्र होता है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इंडियन एंजरी में प्रकाशित अपने लेख नोट्स ऑन तुलसीदास में तुलसी के 21 ग्रंथों का उल्लेख किया है, किंतु इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में उन्होंने 12 ग्रंथों की सूची दी है और इन्हें प्रमाणित माना है। इन ग्रंथों का उल्लेख भी दो भागों में किया है। विनय विभूति तथा नीति परक वाङ्मय की अमूल्य सामग्री एक स्थान पर प्रस्तुत करने वाले तुलसीदास ने नाना पुराण निगम सम्मत रामचरित मानस हिंदू संस्कृत का सारभूत ग्रंथ माना है। इनके भीतर जीवन की एक पूर्ण कला प्रस्तुतित हुई है। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में नर और नारायण का समन्वित स्वरूप विराजमान है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। 7 खंडों में विभक्त राम गाथा की इस अनुपम काव्य में दोहा और चौपाई छंदों का आश्रय लिया गया है। भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी ये तुलसी की प्रतिभा के प्रसार और प्रसार का माध्यम बन चुकी है। संस्कृत, बंगला, गुजराती, उड़िया, अंग्रेजी तथा रूसी भाषाओं में भी मानस के अनुवाद हो चुके हैं। मानस की रचना करने वाले तुलसी का उद्देश्य संभवतः अपने युग की आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करना था। तुलसी ये दिखाने में सफल हुए कि ईश्वर तर्क का नहीं, अनुभव, विश्वास एवं आस्था का विषय है। मानसकार यह स्पष्ट करने में भी सफल हुआ कि मानस राम कथा काव्य ही नहीं मानव जीवन का महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास ने लोक जीवन के देखे सुने पदार्थों और व्यापारों से अपने उपमानों, रूपकों और प्रतीकों को चुनने का प्रयत्न किया। उनके काव्य में यह विशेषता उन्हें लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यथार्थ में कोई भी तंत्र या व्यवस्था क्यों न हो, यदि उसके भीतर आंतरिक चेतना, सच्चाई, ईमानदारी, सहृदयता को जागृत करने वाला कोई तथ्य विद्यमान है, तब तो कार्य चल सकता है, अन्यथा नहीं। तुलसी काव्य की वैशिष्ट धारा में
पूरे विश्व में वर्णाश्रम धर्म, गृह धर्म, कुल धर्म, समाज धर्म और विश्व धर्म की तरंगें देखी जा सकती हैं। तभी तो हमारे जीवन की पूर्णता कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों के समन्वय में है। कवि ने सर्वत्र अपने विचारधारा लोक मानस और वेद सम्मत रखी है। उनकी दृष्टि एक साथ सिद्धांत और व्यवहार दोनों के रहस्य और परिणाम का अनुगमन करती है। यही कारण है कि उस काल की जीवन साधना और समाज की व्यवहार साधना का मोहक समन्वय तुलसी के समस्त राम काव्यों में मिलता है। तुलसीदास के राम कथा काव्यों के वैशिष्ट्य को विस्तृत रूप से मैंने अपने इस लेख में व्याख्यायित किया है, परंतु यहाँ पर मैं केवल विश्व में तुलसी के राम कथा काव्यों के महत्व की बात करना चाहती हूँ। तुलसी राजाश्रित कवि नहीं थे, राजाओं का आश्रय उन्हें न तो उन्हें वो था न प्रलोभन ही। उनकी काव्यकला का स्वाभाविक तरलता का तथ्य यही है कि उनके पास इतने गहरे भाव विचार और अनुभूतियाँ हैं कि वे उन्हें सभी के लिए पूर्ण सुस्पष्ट रूप में रखना चाहते हैं। उनकी कला में दुरूहता या क्लिष्टता नहीं है। तुलसी की कला बुद्धि प्रधान नहीं, इसके मूल में औधि और ब्रज के प्रचलित और लोकव्यापी रूप को कवि ने दिया है। इनकी भाषा इतनी स्पष्ट, हृदयग्राही और लोकरंजक है कि कहना पड़ता है कि शास्त्र पारंगत पंडितों का तत्काल नहीं परम शास्त्र पारंगत पंडितों की तत्काल नहीं परम लोक वाणी की तत्काल है, जो सदा ही नवीन सिक्कों को ढालती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा के अनेक रूपों को वर्णित किया है। उनकी सभी उत्कृष्ट रचनाएं प्रायः राम काव्य ही हैं। उनका ऐतिहासिक महत्व रामचरितमानस की अद्वितीय लोकप्रियता पर आधारित है। असंख्य राम कथा संबंधी रचनाओं में रामचरितमानस उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। भारतीय संस्कृति में राम कथा की व्यापकता, उनकी सरल स्वाभाविक शैली और जनमानस में राम की निर्मल कीर्ति, ये तीनों प्रमुख कारण थे जिन्होंने राम कथा को विश्वव्यापी बनाया और विश्व में भी सभी उनका अनुकरण करते हैं। तुलसीदास जन कवि हैं, वाल्मीकि की भांति उनकी भाषा जनता की भाषा है। यद्यपि वे संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, परंतु उनका वाक्य विन्यास सरल है। उनकी पद्य भाषा उस समय की गद्य भाषा से भी सुलझी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास के अकृत्रिम अलंकार, सजीव वर्णन, मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण, मार्मिक स्थलों की सूक्ष्म पहचान, कल्पा स्थायी नैतिक मूल्यों को मन में अंकित करने वाली सूक्तियाँ, वो सब पंडितगण और जनसाधारण अथवा संपूर्ण समाज को मुक्त करने में समर्थ सिद्ध हों ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। बिल्कुल भारती जी, लोक मंगल की कामनाएं आपकी, ईश्वर सब तरफ इसका प्रसारण और प्रचार भी होगा। मैं कभी कभी क्या होता है कि हमारे में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, बहुत सुनने का मन ज़्यादा करता है, पर समय की उपलब्धता देखते हुए कभी कभी हमें अपने मन को भी मारना पड़ता है। मैं अगले ही क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर सरोज गुप्ता जी को कि वे कृपया आएँ और अपनी बात कहें। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। मंच पर विराजमान हमारे समस्त गुरुजनों को मेरा नमन। शिक्षा जगत के शिखर पुरुष, ज्ञान का प्रकाश बिखेरने में सतत तत्पर, यथा नाम तथा गुण के प्रतिरूप डॉक्टर श्री राम परिहार जी, मैं आपकी प्रज्ञा को, कर्मठता को नमन करती हूँ, जिनके निर्देशन में मैं भी कई संगोष्ठियां आयोजित करा चुकी हूँ। राष्ट्रभाषा की क्षीर गंगा से अभी